निजामाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर बोधन और मुत्यमपल्ली चीनी मिलें खोली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने निजामाबाद जिले के अंकापुर आरमूर मंडल में चाय पर चर्चा का आयोजन किया। जीवन रेड्डी और बोधन विधायक वदुथुरी सुदर्शन रेड्डी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जीवन रेड्डी ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। जीवन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि वो उपलब्ध रहेंगे और उन लोगों की सेवा करेंगे जो चुनाव जीते और हारे। गढ़वाला जीपा अध्यक्ष के सरिता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तहत स्थानीय संगठन मजबूत होंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक ऐसे परिवार को हराने का आरोप लगाया जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अगर उन्होंने उन्हें विधायक बनने का मौका दिया। यह अच्छी बात है कि क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी की राजनीति स्थानीय संगठनों से शुरू होती है। गढ़वाला जीप अध्यक्ष के सरिता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तहत स्थानीय संगठन मजबूत होंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक ऐसे परिवार को हराने का आरोप लगाया जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। कई सर्वे से पता चला कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हाल ही में News24 चैनल के सर्वे की जानकारी सामने आई है। न्यूज चैनल ने ऐलान किया है कि इस सर्वे में बीआरएस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है और सबसे बड़े पार्टी बनने जा रही है। इस मौके पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटिया ने प्रतिक्रिया दी। केटिया ने अपनी ट्वीट में कहा कि News24 के सर्वे से पता चला है कि तेलंगाना में बड़ा भाई मोदी छोटा भाई रेवंत को लेकर काफी भ्रम है। बीआरएस पार्टी के सबसे बड़े पार्टी बनने की उम्मीद है। News24 चैनल के सर्वे के मुताबिक बीआरएस को 8 सीटें मिलेंगी, लेकिन केटिया ने पार्टी कैडर से अपील की कि आइए इन 8 सीटों में से 13 और 14 सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करें। बीजेपी सांसद उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने सनसनीखेज टिप्पणी की कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी निजामाबाद सांसद के रूप में जीतते हैं तो यह जगत्याला के लव जिहाद में बाधा बन जाएगा। अभियान के तहत अरविंद ने जगत्याला जिले के सारंगापुर में आयोजित एक नुक्कड़ बैठक में हिस्सा लिया। वो इसी मौके पर बोल रहे हैं, कथित तौर पर जगत्याला अब तक PFI के लिए बाधा बने हुए यह कहकर समय गुजार रहे जीवन रेड्डी की यह उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा कि यह उनका 15वां चुनाव है। उन्होंने जगत्याओं को चुनौती दी है कि जवाब दे कि जीवन रेड्डी ने क्या किया है। जीवन रेड्डी से सवाल किया गया कि क्या चीनी मिल बंद करने का कारण आम किसानों को बर्बाद करना था। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के श्रमिकों के गुस्से का असली कारण कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि वे पीला बोर्ड लेकर आए हैं जो वरिष्ठ नेता 40 साल में नहीं लाए और यही कारण है कि पीले का समर्थन मूल्य कभी इतना बड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतकुलपल्ली नरसिम्हलू ने कहा कि KCR शासन ही रेवंत रेड्डी से बेहतर है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मादिगा जाति को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सिंचाई जल नहीं होने से खेत सूख रहे हैं, बिजली नहीं है, दलित बंधु नहीं है, रेतु बंधु नहीं है, एक तोला सोना नहीं है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि 2500 रुपये महालक्ष्मी योजना नहीं है, इस राज्य में रियल एस्टेट का कारोबार चलता है। रेवंत रेड्डी से मिलने वाले सभी लोग रियल एस्टेट कारोबारी हैं, उनके अलावा कोई गरीब नहीं आया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मादिगा जाति को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सिंचाई जल नहीं होने से खेत सूख रहे हैं, बिजली नहीं है, दलित बंधु नहीं, रेतु बंधु नहीं, एक तोला सोना नहीं है। सरकारी सचेतक और विधायक बिड़ला अहिल्या ने कहा कि KCR और मोदी ने गोला कुरुमुलु को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गोला कुरुमस को 4 सीटें दी थी। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बीआरएस और बीजेपी एक ही पार्टी है और अगर मोदी दोबारा आए तो देश की जनता रुक जाएगी। गोलू कुरुमालू ने 17 सीटों पर कांग्रेस की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गोलू कुरुमल्स को 4 सीटें दी थी। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में वक्ताओं ने सभी से लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने मताधिकार का जिम्मेदारी से प्रयोग करने का आह्वान किया। सूचना संरक्षण समिति, सूचना का अधिकार अधिनियम, वर्तमान परिस्थितियां, भविष्य की गतिविधियां, मतदाता जागरूकता, सी विसेल्स ऐप के तत्वावधान में सोमाजी गुड़ा प्रेस क्लब में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे लोकतंत्र की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने देश में जन्मे हर व्यक्ति को जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर वोट देने का अधिकार दिया है। वोट एक शक्तिशाली हथियार है और ऐसे हथियार का शानदार तरीके से इस्तेमाल करने को कहा। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के तहत बड़ंगपेट नगर निगम के तहत अलमासगुड़ा विनायक हिल्स में एनुगु तिरुमला रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक तिगला कृष्णा रेड्डी और चिंगिरिंता पारिजात नरसिम्हा रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का खंडवा ओढ़ाकर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एनुगु तिरुमला रेड्डी के नेतृत्व में 150 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में रंगारेड्डी जिला कांग्रेस अध्यक्ष चल्ला नरसिम्हा रेड्डी, बड़ंगपेट नगर निगम अध्यक्ष बोयापल्ली गोवर्धन रेड्डी, महेश्वर निर्वाचन क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष बोयापल्ली राघवेंद्र रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। अमेरिका में न्यूयॉर्क मुख्यालय वाली कावेती लॉ फर्म के प्रमुख कावेती श्रीनिवास विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को कानूनी सलाह और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भारत में अपने भागीदार कार्यालय खोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन कानून विशेषज्ञ वीक गपनी चेन्नुपति श्रीनिवास, FC ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंसी के प्रमुख चिल्लाकल्ला अविनाश, आंध्र और तेलंगाना उच्च न्यायालय के अवरजन सलाहकार बेलमकोंडा विनोद,
अधिवक्ता मल्लेलादित्य, तूपिली रविंद्र बाबू, बी प्रसाद राव, चेन्नुपति सुभाकर, बोमिना कल्याणी और अन्य ने इसकी शुरुआत की। कावेरी श्रीनिवास ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कंपनियां भारत में प्रैक्टिस कर सकती है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में एक भारतीय प्रधान कार्यालय, हैदराबाद में एक दक्षिण भारतीय प्रधान कार्यालय और विभिन्न शाखाएं खोली है। वरंगल, करीमनगर और खम्मम में FC ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंसी के प्रमुख चिल्लाकल्ला अभिनाश ने कहा कि वे 28 अप्रैल को गुंटूर और 29 अप्रैल को तिरुपति में अपनी साझेदारी शाखाएं खोल रहे हैं। कैवेटी लॉ में भारतीय परिचालन के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन कानून के विशेषज्ञ विक गैपनी ने कहा कि उनकी फर्म के तत्वावधान में विदेश में सभी भारतीयों और जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान की। हाईकोर्ट के वकील मल्लेलादित्य और टूपिली रविंद्र बाबू ने कहा कि विदेश जाने से पहले जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें संबंधित देशों में प्रवेश करने के बाद हर महीने एक दिन मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाएगी कि वहां किसी भी कानूनी समस्या से कैसे बचा जाए। तेलंगाना में 10वीं के कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे स्कूल शिक्षा आयुक्त कार्यालय में ये नतीजे जारी करेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है। ये परीक्षाएं राज्य भर के 2676 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। राज्य भर में 500,000 से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए। दूसरी ओर आम चुनाव की पृष्ठभूमि में सरकार पहले तेलंगाना में 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित कर चुकी है, लेकिन इंटर बोर्ड पहले ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित कर चुका है। इस पृष्ठभूमि में 10वीं कक्षा के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। शमशाबाद इलाके में चीती की हरकत CCTV कैमरे में कैद हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। 27 अप्रैल की आधी रात को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक तेंदुए को देखा गया था। हवाई अड्डे के विमान मरम्मत अनुभाग की बात पर कूदने की कोशिश कर रहे तेंदुओं का फुटेज CCTV कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। एयरपोर्ट कर्मचारियों ने तेंदुओं को देखा और सुरक्षा कर्मचारियों को सूचित किया और CCTV कैमरे की जांच की। इसे घबराए वन अधिकारियों ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने को कहा। पुलिस का सुझाव है कि उन इलाकों के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और अगर उन्हें तेंदुए के कोई लक्षण दिखे तो अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। मुसारामबाग की लक्ष्मीनगर कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। कुत्ते के हमले में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कादरी मंडल के वीरेपल्लीपेट गांव के साई कुमार और अलेख्या दो बेटे रोजगार के लिए शहर आने के बाद मूसारामबा के लक्ष्मीनगर कॉलोनी में श्रीनिधि नीलम में रहता है, लेकिन जब बेटा उज्जवल कुमार अपार्टमेंट के गेट पर खेल रहा था तभी 5 आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। एक कुत्ते ने लड़के के चेहरे पर हमला कर दिया जबकि दूसरे कुत्ते ने लड़के का पैर पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने की कोशिश की। भयभीत लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ अलेख्या घर से दौड़कर आई और आवारा कुत्तों को भगाया। लड़के का गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत माता पिता लड़के को इलाज के लिए नालाकुंटा के बुखार अस्पताल और वहां से उस्मानिया अस्पताल ले गए। भानु प्रदेश पर आग उगर रहे, रिकॉर्ड तापमान से लोग कांप रहे। मई माह में धूप कितनी तेज होगी इसका डर अभी भी जनता को है। सूरज की तपिश और सड़कों पर लोग घरों से बाहर निकलने में मर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिन और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर के कई जिलों में छिटपुट ओलावृष्टि की आशंका के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, कोमाराम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाला, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याला, राजना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापली, खम्मम, नलगोंडा और सूर्यापेट जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी किया गया है। रविवार 28 अप्रैल को नलगोंडा जिले के मडुगुल्लापल्ली में उच्चतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। निदामनूर में तापमान 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। निर्मल, जगत्याला, नलगोंडा, खम्मम और जिलों में तापमान 4 दिनों से रिकॉर्ड 45 डिग्री को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है।